कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं बस नील को हाय बोल के चला जाऊंगा। मिस दीक्षित, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। जी नील जो है वो मेरे नील नील व्हाट नील हाय सोना, मुझे एलिना ने बताया था कि कोई आया है। मैंने सोचा कि मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। आओ वंडरफुल, तुम आ गई। कम 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 कम। लुक, फाइनली तू आ गई। हाय मिस्टर अवरुद्ध, आई मीन देव। हाय, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? वो रिलेटिव्स के घर गए। अच्छा हुआ तू आ गई। तुझे पता है तेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कितना बोर किया? मुझे लेक्चर दे रहा था कि मुझे साइकिल खरीद लेनी चाहिए। ओह नो, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम साइकिल खरीदो। मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें साइकिल खरीद के देता हूँ। व्हाटएवर, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई है तो इसी को बोर कर, है ना देव? सोना, कितना टाइम हो गया? पता है कितनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं। वो आने में लेट हुई क्योंकि I'm sorry. वो एक्चुअली मैं किसी काम में फंस गया था और मेरी वजह से इन्हें भी लेट हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इन्हें खुद ड्रॉप कर देता हूँ। That's nice of you. आइए बैठिए, कम सिट। Just sit here. वैसे भी मैं और सोना तो कम मिल पाते हैं। मैं हमेशा से ही सोना का वेट करता रहता हूँ। बट यू नो वन थिंग, जब भी सोना को मिलता हूँ या देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इसके लिए जितना वेट करूँ उतना कम है। आई मीन शी इज रियली वर्थ इट मैन। खैर देव, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। अब इसी बहाने सोना के दोस्तों को जानने का भी मौका मिल जाएगा और सोना से भी काफी बातचीत हो जाएगी। Just try it. It's amazing. You know, बंगाल में इसे झालमुरी कहते हैं। झाल what? झालमुरी. It's just like भेल. ये भी मेरे लिए please एक और थोड़ी सी भेल ले आओ. Please. हाँ वो मैं. What? Baby. मुझे तो लगा कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा आज, लेकिन नील यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे मेरे प्लान पे शक। हॉरिबल। अच्छा, नाउ रिलैक्स और यहाँ पे बस स्माइल। हाँ मैं वो मैं लाती हूँ। जी जी, देव ने कोई फैसला किया नताशा के बारे में? नहीं भाभी, मैंने कहा तो आपसे मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो ही ले। जी जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि उसे ये फैसला अकेले नहीं लेना चाहिए। बच्चे माँ की उंगली पकड़ के ही तो सड़क पार करते हैं, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। भाभी अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। ओहो जी जी, नेहा के लिए इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए, क्या किया आपने? हर बार यही कहा कि नेहा की जिंदगी का फैसला है, इसलिए उसे खुद ही करना चाहिए। अब देख लीजिए क्या फैसला किया है उसने। क्या किया है उसने? उसने कोई गलत फैसला नहीं लिया। रणबीर एक अच्छा लड़का। पता है जीजी, रणबीर बहुत भला है, उसके घर वाले भी बहुत भले हैं, पर जब दिल्ली में गंदी वाली गर्मी पड़ेगी तब आप उसे क्या कहेंगी? बेटा घर में एसी तो है नहीं, भलाई चला के सो जा। देखिए जीजी, कि प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर ना बच्चे हमेशा गलत फैसला ही लेते हैं और एक गलत फैसला पूरी जिंदगी खराब कर देता है। इसीलिए कह रही हूँ जीजी, देव के मामले में दोबारा ये गलती मत कीजिए। अगर आप सही लड़की से शादी करने के लिए नहीं कहेंगी और उसने अगर किसी गलत लड़की से प्यार कर लिया तो अभी भी वक्त है जीजी, उसकी उंगली पकड़कर सड़क पार करवा दीजिए। अगर उसने खुद से गलत मोड़ ले लिया तो फिर तो भगवान ही मालिक है, आगे आपकी मर्जी। एक बात है जो हम दोनों में कॉमन है। Really?
मीन हमने जिन लेडीज को पसंद करा है उनमें कितनी सिमिलैरिटी है। दोनों की दोनों कॉन्फिडेंट हैं, ब्यूटीफुल हैं, अपना काम खुद करती हैं और अपने काम को पसंद करती हैं। और डिनर पे भी तो यही बात हो रही थी कि नताशा को ट्रैवलिंग के साथ साथ खाना बनाने का भी बहुत शौक है, तो हुई ना सिमिलैरिटी दोनों के बीच में। हाँ, किनके बीच में? नताशा और सोना के बीच में। अब तुम देखो, सोना भी तो हर वक्त किचन में ही रहती है, खाना बनाती रहती है कि नहीं? तो आपके मुताबिक मिस बोस बहुत अच्छा खाना बनाती है? ओह कम ऑन देव, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। यू नो 5 continents का खाना ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन सोना के हाथ का खाना अमेजिंग। ओके, तो किस तरह का खाना बनाती हैं वो? क्या स्पेशलिटी है उनकी? इंडियन, इटालियन, चाइनीज? ऑफ कोर्स इंडियन। और यू नो व्हाट, एक एक वेजिटेबल अपने हाथों से काटती है। आई हैव टू आस्क यू समथिंग। आप इतना बिजी रहते हैं, मिस बोस भी इतना बिजी रहती हैं, पूरा दिन मेरे घर पे काम पे ही रहती हैं वो, तो आप कहां मिले थे उनसे? वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था जब मैंने सोना को पहली बार देखा था, है ना बेबी? याद है ना तुम्हें? नील प्लीज कम ऑन। सोना, देव हमारा फ्रेंड है, इससे भी तो पता होना चाहिए ना कि हम लोग कैसे मिले। कम ऑन। ऑफ कोर्स मुझे पता होना चाहिए, राइट? नील, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था, कुछ नहीं बताया अभी तक मुझे। और वैसे भी लड़कियों का वर्जन थोड़ा अलग होता है, राइट? राइट। खैर देव, सोना ने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो मैं ही बता देता हूँ। मैंने उसे मेरी सीपी की स्टेट्समैन बिल्डिंग के अंदर देखा था। उस वक्त मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा था और मैंने देखा लिफ्ट के कॉर्नर पर एक लड़की सफेद सूट पहनकर खड़ी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा किताब से ढका हुआ है और वो धीरे 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 किताब के पन्ने पलट रही है, पलट रही है, पलट रही थी। मैं तो बस ये चाहता था कि एक बार वो लड़की मुझे नोटिस कर ले, लेकिन नहीं, वो तो अपनी किताब पढ़ने में ही बिजी थी। Oh God, Dave, I just hate that book. और मिस बोस, मुझे लगता था कि आप एक खुली किताब की तरह हैं। No, no, Dave. She is very mysterious girl. हाँ, हाँ, मुझे भी इनके काफी सीक्रेट्स अब पता चल रहे हैं। Finally, भगवान ने मेरी सुन ली। लिफ्ट बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब मुझे पता था कि वो मुझे जरूर देखेगी, और हुआ भी उसने किताब नीचे रखी, इरिटेटेड सा लुक दिया और मुझे कहा कि अलार्म बजा क्या? अरे, अब सोना को कैसे पता होगा कि उसे देखते ही मेरे दिल में कितने अलार्म बज गए। बस तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी लाइफ में अगर कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनाक्षी बोस होगी। What a story. Amazing. Amazing story, bro. Miss Boss, आप तो बहुत अच्छा बनाती हैं। खाना, इतना अच्छा खाना बनाती हैं आप। लेकिन अफसोस की बात है, आज मैं आपकी कोई बनाई हुई चीज ट्राई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन I'm sure आप फिर से मुझे कभी कुछ बना के खिलाएंगे, नहीं? Have a good time, guys. Baby, story अच्छी थी ना? No, निकी तो हमेशा चीटिंग करती है यार। हारना अच्छा नहीं लगता तो निकी को चैलेंज क्यों करते हो? रियादी, अगर आपको पता नहीं हो कि आपके ओपोनेंट की टीम में कौन है तो उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए। निकी जी,
आपको क्या हो गया है? आज आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। क्या स्टाइल है, क्या एटीट्यूड है? रोमांटिक ही होगा, अब तो रोमांटिक ही होगा ना? क्यों क्यों रोमांटिक क्यों? अब भैया जैसे खेल रहे हैं, एक्चुअली इन्हें तो लग नहीं रहे। जैसे गर्ल्स तुमने कुछ कहा, वो क्या है ना, मैं थोड़ा बिजी था तुम्हें हराने में। हमारे भैया कहाँ हैं? और आपने उनके साथ क्या किया? हाई फाई नहीं देना है, मत दो। लेकिन ये क्या बातें कर रहे हो? भैया हाई फाई खाना भी आप ना बदल गए हो। क्या हुआ आपको? हाँ। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। क्या समझ आ गया है बाबा निकी जी? यही बालिका कि भैया आजकल खुश खुश खिले खिले गाना गाने वाले नॉन नखरू टाइप कैसे हो गए? कैसे हो गए? अरे पता ना। एक्चुअली मेरी थ्योरी ये है कि भैया की लाइफ में अभी तक वो 70s के अमिताभ बच्चन वाली फिल्मों जैसी थी। एक लड़का सारी दुनिया से अकेले लड़ रहा है, लेकिन अभी भैया की लाइफ इम्तियाज अली की फिल्मों जैसी हो गई है, एकदम रोमांटिक, क्योंकि इनके लाइफ में आ गया है प्यार, यानी लव, वो फिल्मों वाला लव। बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, कुछ भी बोलोगे? वैसे गलत क्या बोला मैंने? वैसे इससे ना दो बातें प्रूफ होती है, एक तो ये कि निकी तू कभी ना बाबा वाबा भी नहीं बन सकती। थैंक गॉड। और दूसरी बात ये कि भैया निकी ना वैसे सही कह रही थी, मतलब जब से आप एनजी से मिले हो ना, आप तो बिल्कुल बदल ही गए हो। आई मीन आप लोगों की बातें सुनने लगे हो, कभी कभी स्माइल भी कर देते हो और गुस्सा भी नहीं आता आपको। वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था मेरे अंदर इतनी खामी है, अभी पता चला। भैया रिया तो सिर्फ ये कह रही थी कि आपकी लाइफ एकदम ब्राइट एंड कलरफुल हो गई है, एंड मेरी इंटरेस्टिंग, वो वीडियो गेम कितना अच्छा खेलती है, आई मीन आई लाइक हर। वाह कितना अमेजिंग है ना, वो वीडियो गेम अच्छा खेलती है, लाइफ में और क्या चाहिए? तू भी ना कभी बड़ी नहीं होगी। होना भी नहीं है, ऑलवेज दे भैया की चुटकी बैठ। वैसे एक बात बोलूं, इतनी देर से बोल रही है, बोल दे। मुझे ना आप दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो। वैसे भैया आपको भी एनजी पसंद है क्या? आई मीन आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? बोलो बोलो ना। अरे हो रही है ना, मुझे सोने दे रही है। मैं कैसे सोऊं? मेरी तो बोल खुल गई है, मुझसे से किसी को पता चल गया कि नील मेरा फेक बॉयफ्रेंड है। अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो? कुछ नहीं सोचेंगे, तू मेरी सुन। नहीं सुननी तेरी बात, इतनी तो सुनी है और तेरी वजह से ये सब हुआ है, तेरा ही आइडिया था ना ये? हेलो, आइडिया तेरा था, मेरा नहीं। और डबल डेट पर जाने के लिए तूने हाँ बोला था, मैंने नहीं। I was just helping you. मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम झूठ बोला है और इसमें ही पकड़ी गई। अरे यार कुछ नहीं होगा, अगर पूछेंगे ना तो उनको बोलना कि ये लिफ्ट इंसिडेंट तुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, इसलिए तूने बताया नहीं। हाँ सिंपल। नहीं नहीं नहीं, तू जानती नहीं है वो मिस्टर देव दीक्षित नहीं है, वो अलग दीक्षित है, झूठ को ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं वो। और मुझे तो वो नील पे गुस्सा आ रहा है, उसे बाहर आने की क्या जरूरत थी? उसको जरूरत नहीं थी, मगर क्या, वो तुझ में इंटरेस्टेड है। जिसे इंटरेस्ट लेना है वो तो लेते हैं नहीं, पता नहीं कल क्या होगा। नहीं शोर। थैंक यू माँ। सुनिए, मैं सोच रही थी बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी लाइफ में काम में बिजी हो गए हैं, तो क्यों ना अब मैं अपने खाली टाइम को यूज करूं। अरे वेरी गुड आशा, क्या करना चाहती हो? मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा करूं जो नया हो और मन को सेटिस्फेक्शन दे।
मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। भला, वेरी गुड आशा, लिखो लिखो, कविता लिखो, पोएट्री लिखो, कहानियां लिखो। माँ आप ये सब मत लिखो, आप है ना टीवी सीरियल लिखना। मेरी वाइफ को बेवकूफ समझाया क्या? अरे टीवी सीरियल वो लोग लिखते हैं जो जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाते। हम बंगाल से हैं, हमारा कल्चर है, पोएट्री है, लिटरेचर है, वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। आशा तुम नॉवल लिखो। बात यह है कि मैं किस टॉपिक पर लिखूं? आप भी ना बिल्कुल आइडियल हस्बैंड की तरह है। अरे थोड़ा दुख देते, दर्द देते, तभी तो मैं एक अच्छी राइटर की तरह लिख पाती। आपने क्या ना हास्चन? अरे आप भी टिपिकल सास की तरह नहीं रही, कोई चाल नहीं चली, कोई साजिश नहीं रची मेरे खिलाफ। अब मैं लिखूं तो किस टॉपिक पर लिखूं? क्यों लो? इस बॉस, अच्छा वो आप आ गई, मैं आप ही का वेट कर रहा था। I'm sorry, मैंने आपको वेट करवाया, पर आप जा सकते हैं अभी। I mean, वो मुझे किचन में बहुत काम है ना, किचू भैया को चाट बना के देना है। उसके बाद खाना भी बनाना होगा, है ना? Miss Boss, दो मिनट में कुछ नहीं हो जाए। वो मैं बहुत embarrass feel कर रही थी मिस्टर दीक्षित, वो लिफ्ट वाली बात बहुत embarrassing थी, और वैसे भी ये सिली बात मैं आपको नहीं बताना चाहती थी। लिफ्ट में बुक कौन पढ़ता है? इसलिए मैंने आपको वो कार वाली बात बता दी। अभी मैंने आपको ये बात बता दी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे झूठा या कुछ और समझे। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही हैं। वैसे आप अंधेरे में तीर चला तो पाएंगी ना, डरेंगी तो नहीं? आप खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, आपको लगता है कि आप बहुत फनी हो। नहीं मैं फनी नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे, मगर आप ऐसा मौका बना रही हैं कि मेरी सिंपल सी बात भी फनी लग रही है। मिस्टर दीक्षित, मैंने आपको ऐसा कोई मौका नहीं दिया। तुम ही ना एकदम इम्पॉसिबल। मिस बॉस हिंदी, इट्स डॉक्टर बॉस फॉर यू। हो गया, अब आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मिस बॉस, मैं इतना तो जानता हूँ कि अगर आपको कोई काम नहीं करना होता है तो आप साफ साफ कह देती हैं कि आप नहीं कर सकती, और अगर आपको कोई बात नहीं बतानी होती है तो आप बोल देती हैं कि आप नहीं बता सकती। आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हैं? अपनी लाइफ में इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्यों लेके आ रही हैं? मिस बॉस, मैं जानता हूँ आपको उसकी बैकग्राउंड के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि उस रात डिनर पे आप उससे पहली बार मिली थी, है ना? सो मिस बॉस, टेल मी नाउ, आपने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? Fine, मैंने नाटक किया, लेकिन अब क्या करेंगे? मुझे पनिशमेंट देंगे, मुझे जॉब से निकलवा दोगे, मेरे पैसे काटोगे, क्या करोगे? नहीं मिस बॉस, मैं तो सिर्फ एक फ्रेंड की तरह पूछ रहा था कि आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मैं क्या करती मिस्टर दीक्षित? जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता उन्हें देने के लिए, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। और आप भी मुझे उस दिन बोरिंग कह रहे थे। आपको क्या लगता है कि अगर किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वो बोरिंग होती है? और अगर वो बोरिंग है तो मैं नहीं होना चाहती थी बोरिंग, मैं कब तक बोरिंग रहूं? मिस्टर दीक्षित, इसलिए मैंने एक बात कह दी। और मुझे क्या पता था कि अभी नताशा मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को डिनर डेट पे बुलाएगी, इसलिए मैंने झूठ कहा मिस्टर दीक्षित। अब अभी मैं जब मैंने एक बात की तो मैं वापस पलट तो नहीं सकती ना, जाके उसे सॉरी तो नहीं बोल सकती कि सॉरी नताशा, मैंने झूठ बोला। वो एक सवाल से दूसरा सवाल निकालती, दूसरा सवाल से तीसरा सवाल निकालती, और फिर बात आप तक, आई मीन बात कहां से कहां तक पहुंच जाती है, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा मिस्टर दीक्षित। मैं बस नताशा के सामने कूल लगना चाहती थी ताकि वो मुझे किसी लायक समझे और वो मुझे बेचारी वाली लुक ना दे, इसलिए मैंने झूठ कहा मिस्टर दीक्षित। I'm sorry, Mr. Dikshit. I'm sorry, मैंने झूठ कहा।
I'm sorry. I didn't mean to hurt you. मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जिससे आप हर्ट हो. Please, Miss Boss, आप relax कीजिए. और हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रही होंगी. मैं भी कुछ वैसा ही फील कर रहा हूँ. I mean, मुझे लगता था कि मुझे कभी किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन anyways, what I'm trying to say is, we are in the same situation together. आप अकेली नहीं हैं. मिसेस दीक्षित सेम सिचुएशन में है, पर वो सेम सिचुएशन कैसे हो सकते हैं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.